हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में है अपने कॉमन एरर्स इन इंग्लिश और काफ़ी यूजफुल क्लास होगी और आज की क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है क्योंकि इसमें है आपके 20 सेंटेंस और ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर है 192। इसके पहले कई सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने बनाए हुए, अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ जरूर उन्हें भी देखें। और इसी में मैं आपको और बता दूँ कि अन अकेडमी आप लोगों के लिए लाया है SSC क्रैक करने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो भारत के सबसे बड़े टीचर्स के साथ आप पढ़ेंगे यहाँ पर अभिनय शर्मा सर के द्वारा, और यहाँ पर आपको मिलेगा बेस्ट क्वांट सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए जो कि बिल्कुल फ्री होगा। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इस टेस्ट सीरीज में 4 सेट होंगे और हर सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। हर टेस्ट का नेक्स्ट डे एनालिसिस भी होगा, अभिनय सर के द्वारा ही कराया जाएगा और ये क्लास भी बिल्कुल फ्री होगा, यानी एनालिसिस और ये टेस्ट टोटल फ्री है। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अभी इनरोल करें, जो भी बिल्कुल है फ्री। नीचे मैंने दी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। यदि आप अन अकेडमी पर फर्स्ट टाइम यूजर होंगे तो आपको हमारा अनलॉक कोड यूज करना होगा। याद रहे, फ्री क्लासेस के लिए भी आपको अनलॉक कोड की जरूरत पड़ेगी, तो फ्री क्लासेस के लिए आप अनलॉक कोड यूज कर सकते हैं EP10 को, और इससे आप अन अकेडमी की फ्री क्लासेस को अनलॉक कर लेंगे। यदि आप EP10 को यूज करते हैं तो आप अन अकेडमी की फ्री क्लासेस को अनलॉक कर लेंगे। इसी के साथ साथ यदि आप पेड कोर्सेज को लेना चाहें तो EP10 के माध्यम से आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, जो ऑलरेडी अप्लाइड हो रहा है यदि आप पहले से कर लिया है तो कोड यूज करना बिल्कुल ही ना भूलें। अभी डाउनलोड कीजिए अन अकेडमी ऐप और अपनी तैयारी कीजिए और वे बूस्ट अप। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश और यहाँ पर आपको मिलेंगे 20 सेंटेंस। आपको यहाँ पर 4 पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और यदि तीनों पार्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नो एरर। और ये सीरीज काफ़ी समय से चला रहा हूँ, लगभग मैं कॉमन एरर्स के ही लगभग 500 सेंटेंस अपने कंप्लीट होने वाले हैं अपने इस चैनल पर, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी देर ना करें, आप लोग अभी सर्च कीजिए प्रैक्टिस सेट से, इंग्लिश पॉइंट चैनल में प्रैक्टिस सेट को सर्च करें और आपको वहाँ पर ढेर सारे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, इससे भी आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में सेंटेंस के किस पार्ट में है आपका मिस्टेक, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता दूंगी, देखिए ये आपका क्या है, क्लॉज लिखा हुआ इट वॉज ही, है ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और यहाँ पर आपका जो एरर है ये है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या एरर है ये आपको बताते हैं। रनिंग के बाद यहाँ पर इन प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको यूज करना होगा इनटू, ठीक है, क्योंकि इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जब किसी के अंदर, है ना, गोज जाती है किसी चीज में, पुट होती है समथिंग इज पुट, कोई चीज कहाँ रखी है, ये सारी चीजें बताने के लिए इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है, रनिंग इनटू होगा। आप ऐसे कंडीशन भी समझ सकते हैं इनटू प्रपोजिशन के लिए कि जब किसी चीज में कोई चीज इस तरह से मूवमेंट में प्रवेश करे या फिर ऐसे ऊपर से, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है, और बहुत ही सिंपल था, आई होप के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 में है, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर गो टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली, ओके। और ये भी याद रहे कि जो कॉमन एरर्स के पार्ट है यहाँ पर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं, किसी से भी रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है। आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर सर्च बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इस सेंटेंस में आप देखिए कि राइट आंसर क्या होगा, कौन से पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, अप्रूव पर भी फर्स्ट फॉर्म अप्रूव ऑफ होता है, यहाँ तक क्लियर है हर, ओके, एंड टू गो, तो यहाँ पर टू गो टू द पार्टी, तो यहाँ पर मिस्टेक है आपका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपका क्या मिस्टेक है कि जब भी कभी किसी, मैं कई बार बता चुका हूँ कि किसी प्रपोजिशन के बाद यदि हम वर्ब का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो आपका जीरेंड फॉर्म में यूज किया जाए। अप्रूव ऑफ होता है, इसके बाद यदि हम वर्ब लगाएंगे तो टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा, आपको यहाँ पर यूज करना होगा गोइंग, यानी अप्रूव
हाँ अप्रूव ऑफ आर गोइंग का यूज किया जाएगा। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टू में जो एरर है ये आपका सेकेंड पार्ट में ही है और यहाँ पर आपको जीरंड का प्रयोग करना है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड क्वेश्चन थर्ड में है राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड द फेमस भीष्म सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स, और यहां पर आपको बताना है कौन सा पार्ट है मिस्टेक। करिए जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या हो रहा है यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में। करिए जल्दी से कमेंट करें। तो यहां पर अब आप देखिए राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड, ओके यहां तक क्लियर है। द फेमस भीष्म, भीष्म पितामह की बात हो रही है, महाभारत की बात हो रही है, महाभारत का कैरेक्टर है भीष्म, है ना। और गीता आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लीजिए, मैंने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर बात हो रही है द फेमस भीष्म, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल यूज हो रहा है यूज ऑफ द, यानी ये जो डिटरमिनर यूज हो रहा है इसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा आपको यहाँ से इसे हटा देना है। फेमस भीष्म सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स राइट आंसर होगा, सेकंड पार्ट में एरर है, यहाँ पर आपको यूज ऑफ डिटरमिनर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, एंड क्वेश्चन फोर में है माय आंट वाज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। करिए कमेंट कीजिए जल्दी से राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर के, माय आंट वाज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, यानी मेरी आंट पहली थी जिन्हें डिग्री मिली, ठीक है। तो यहां पर एरर कहां पर है, एरर है आपका सेकंड पार्ट में, सभी में सेकंड ही आ रहे, इसमें भी आपका सेकंड पार्ट में एरर है। सेकंड पार्ट में क्या एरर है कि यहां पर जब भी हम ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं, क्या कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर एंड क्वार्डिनल नंबर आप लोगों ने पढ़े होंगे, 1 2 3 4 आपके क्या है क्वार्डिनल नंबर है, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एटसेट्रा, ये सब क्या है आपके ऑर्डिनल नंबर है। तो बी यूज डिटरमिनर द बिफोर ऑर्डिनल नंबर, करेक्ट। तो यहां पर आपको फर्स्ट से पहले आपको आर्टिकल यूज करना होगा, आर्टिकल द, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइव, एंड क्वेश्चन फाइव में देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन फाइव है आपका पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, काफी बड़ा सेंटेंस है लेकिन आई होप कि आप लोग सही कमेंट करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, करिए जल्दी से कमेंट कीजिए। अब यहां पर मैं आपको और बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे ना तो अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर जरूर कीजिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फाइव में। यस, तो क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे, क्योंकि यहां पर ये जो रेयरली लगा हुआ है, रेयरली मीन्स क्या होता है सेल्डम, रेयरली का सिमिलर वर्ड क्या है सेल्डम और ये दोनों अपने आप में क्या है निगेटिव सेंस देते हैं। कैसा सेंस देते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं। और यहां पर सेंटेंस में क्या लगा हुआ है नो, तो दो निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता सेंटेंस में, तो इस तरह से हमें यहाँ से ये नॉट को हटाना होगा तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। इसके अलावा इसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं पद्मिनी हैज रेयरली, है ना, हैड के स्थान पर आप हैज का यूज भी कर सकते हैं तब भी ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। क्लियर, तो जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सिक्स, एंड सेंटेंस सिक्स में है कि चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स में कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या। यस, बहुत अच्छा सेंटेंस है, कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें कि कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या। तो यहाँ पर जो एरर है, तो यहाँ पर एरर है आपका थर्ड पार्ट, थर्ड में एरर है। पार्ट थर्ड में क्या एरर है कि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। क्लियर, एंड सो डज काम्या ये आपका इन्वर्सन है, यहाँ पर क्या है इन्वर्सन है,
और इन्वर्सन है तो ये इन्वर्सन लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पर जो इन्वर्सन यूज होना चाहिए ये पास्ट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर इन प्लेस ऑफ डज वी हैव टू यूज डिड, सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी इस थर्ड पार्ट में है मिस्टेक क्वेश्चन नंबर सिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, और कई बार सेंटेंस आपको मिला होगा अकेडमिक में भी, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में और आया भी ऐसा, और ये जितने भी सेंटेंस मैं आपको बता दूं एसएससी के ओल्ड क्वेश्चंस हैं, सब आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम्स में वेरियस परीक्षाओं में। सेंटेंस है गुलिवर्स ट्रेवल आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। आई थिंक आप लोगों ने तो ये रट भी गया होगा, बार बार आता है तो रट भी गया होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है, सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक है कि हमें आर के स्थान पर यूज करना होगा इच का। क्या यूज किया जाएगा, इच का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि गुलिवर्स ट्रेवल क्या है, एक किताब का नाम है जिसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका टू, ऑप्शन नंबर टू राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। क्वेश्चन नंबर एट काफी सिंपल है, और यहाँ पर जो एरर है ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, और यहाँ पर होता है ना सेंटेंस के किस पार्ट में हो रहा है एरर, काफी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन आइदर और से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तो इसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो वर्ब के पास वाले नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाए। तो ज्योति यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर यूज हो रहा है आपका प्लूरल, तो राइट आंसर हो रहा है कि आपको यहाँ पर हैज का प्रयोग करना, हैज डन द क्राइम ये होगा राइट आंसर, यानी सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक होगी आपकी, सेंटेंस के यहाँ पर थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका नाइन, एंड सेंटेंस नाइन में है आपका द स्ट्रीट्स आर सो वेट, स्ट्रीट आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या है आपका, स्ट्रीट्स प्लूरल है, आर सो वेट गलियां बहुत गीली हैं, इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, और सेंटेंस ये लिखा हुआ है पास्ट, यानी कल रात अवश्य वर्षा हुई होगी। लेकिन यहाँ पर आपकी बात करें तो ये क्या है आपकी नेचुरल है, और जब भी बारिश की बात होती है, मौसम की बात होती है, तो मे मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मे मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर शुड के स्थान पर, शुड हैव के स्थान पर आपको किसका यूज करना है, आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, माइट लास्ट नाइट है तो आप माइट का यूज कर सकते हैं, इट माइट रेंड लास्ट नाइट, ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये मे और माइट क्या शो करता है, मे और माइट इंडिकेट्स करता है पॉसिबिलिटी को, और पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं ना कि शुड का। तो करेक्ट आंसर होगा कि आपके थर्ड पार्ट में मिस्टेक है सेंटेंस नाइन में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका टेन, एंड सॉरी सेंटेंस टेन में है, सेंटेंस टेन में है आपका आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून। यस, क्वेश्चन नंबर टेन के लिए बताइए क्या है राइट। तो यहां पर जो एरर है आपका ये हो गया सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या एरर है कि यहां पर आपको बिटवीन के स्थान पर यूज करना होगा फ्रॉम, प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा, फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंड लगा हुआ है ना बिटवीन, ये बताएं बिटवीन फ्रॉम डॉट डॉट टू होता है और बिटवीन के साथ एंड का यूज किया जाता है। यस करेक्ट, बिटवीन के साथ आप एंड का प्रयोग कर सकते करते हैं, एंड फ्रॉम के साथ फ्रॉम डॉट डॉट टू होता है, तो यहाँ पर टू का यूज हुआ है थर्ड पार्ट में, तो इधर बिटवीन का ही यूज, सॉरी फ्रॉम का यूज किया जाएगा, बिटवीन का यूज नहीं होता। यदि टू के स्थान पर आपका एंड यूज किया जाता तो यहाँ पर आपका फ्रॉम यूज किया जाता, तो यहाँ पर सॉरी क्या गलत हो दिया, तो यहाँ पर आपका बिटवीन यूज किया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, 11 में ही इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल टू रिटर्न हिज बुक, यानी वह मुझ पर बहुत नाराज हुआ, वह मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि मैं उसकी किताब लौटाने में असफल रहा। क्या है राइट, तो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर होगा कि यहाँ पर एंग्री, एंग्री जो एडजेक्टिव है एंग्री विद समबडी होता है, एंग्री विद समबडी, यानी जब किसी पर्सन किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो वहां पर प्रपोजिशन विद का यूज किया जाता है ना कि ऑन का। तो यहाँ पर आपको राइट यूज करना है, सेकेंड फर्स्ट पार्ट में एरर है, और यहाँ पर ऑन के स्थान पर आपको विद का प्रयोग करना है।
नेक्स्ट है सेंटेंस 12 एंड सेंटेंस 12 में क्या है, द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। कीजिए राइट आंसर, कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि सेंटेंस ये है आपका पैसिव वॉइस, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में आपको बी वर्ब के बाद यूज करना होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाज वर्ब के साथ यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो वाज वर्ब के साथ यहाँ पर आपको पास्ट पार्टिसिपल जो यूज करना है, वाज मर्डर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट एरर है सेकंड। नेक्स्ट है सेंटेंस 13 एंड सेंटेंस 13 में द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विशल। यस फ्लॉ ही लिखा हुआ है और आपको बताना है सेंटेंस 13 में राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ये है कि एडवर्ब फ्लॉज ऑफ टाइम है ना, और ये कंडीशन भी है। तो यहाँ पर कंडीशन वाला ये जो क्लॉज है ये आपका फ्यूचर में नहीं बनाया जाएगा, ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये स्ट्रक्चर भी कई बार मैं पिछली क्लासेस में ही बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पर यूज किया जाएगा द गार्ड ब्लोज द विशल, ये होगा राइट आंसर पार्ट थर्ड में होगा, मिस्टेक आपका इसमें। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। सिंपल सा सेंटेंस है एक है, बट आपको बताना है एरर तो यहाँ पर हो सकता है क्राउड ना हो। तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है कि आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। तो अ ग्रेट डील ऑफ पूरा आपका फ्रेज है, अ ग्रेट डील ऑफ मीन्स होता है अ लॉट्स ऑफ, तो यहाँ पर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, करेक्ट लिखा हुआ है, यानी सेंटेंस आपका राइट है, सेंटेंस कहीं भी एरर नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपके इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस 15, द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। सेंटेंस 15, तो द इंडियंस मीन्स इंडियन पीपल हो गया है ना, तो आर्टिकल द आएगा, करेक्ट है, प्लूरल आएगा, जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ पूरा फ्रेज है, प्रोपोजिशनल फ्रेज है, इनकेपेबल ऑफ के बाद देखिए जीरंड लिखा हुआ है, बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस नंबर 15 सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है। तो ये भी आपका होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4, नो एरर। नेक्स्ट है सेंटेंस 16, सेंटेंस 16 में है इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, यानी इक्वेटर है पृथ्वी का, वो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। क्या है राइट आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में। यस जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर जो यूज किया जाएगा ये देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या एरर है कि इक्वेटर, वी इक्वेटर से पहले हमें यूज करना होगा आर्टिकल द, क्योंकि क्यों करना होगा, क्योंकि द आर्टिकल का प्रयोग पॉइंट जो ग्लोब में पॉइंट्स हैं उनको बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे द नॉर्थ पोल, द ग्रीनविच मेरिडियन है ना, तो द साउथ पोल, इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा डेफिनेट पॉइंट्स बताने के लिए। तो इक्वेटर से पहले आपको डिटर्मिनर द का यूज करना है, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका राइट, यानी सेंटेंस मिस्टेक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर है एरर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 17, सेंटेंस 17 में शोभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। काफी सिंपल सेंटेंस है और कई बार इस तरह के सेंटेंस पहले भी करवा चुके हैं। तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में क्या एरर हो गया कि यहाँ पर सेंटेंस में सिंस के बाद लगा हुआ है टाइम, अब सिंस के बाद टाइम लगा हुआ है तो ये सेंटेंस बनाया जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। राइट आंसर होगा सुबह हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। तो करेक्ट आंसर है, सेकंड पार्ट में एरर है और इस सेंटेंस को बनाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है सेंटेंस 18, दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरनर्स। चलिए कमेंट कीजिए सेंटेंस 18 के लिए क्या है राइट, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दिस एरर फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया, एरर आपका क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये क्या है दिस, ये किसमें यूज होता है, इसके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, दिस का प्लूरल क्या हो रहा है, दिस का प्लूरल हो रहा है दीज, तो यहाँ पर हमें दिस के स्थान पर यूज करना होगा दीज, दीज एरर्स आर मेड बाई फॉरनर्स, ये राइट आंसर फर्स्ट पार्ट में एरर है सेंटेंस 18 में।
नेक्स्ट नेक्स्ट इज सेंटेंस 19 एंड सेंटेंस 19 है ऑन एंटरिंग द क्राउडी रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन हुम आई न्यू यस सॉरी तो सेंटेंस 19 में एरर है आपका फर्स्ट पार्ट में एरर है कि यहां पर ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम नहीं हो रहा क्राउडेड होगा क्राउडेड रूम है ना एडजेक्टिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहां पर क्राउडेड का एडजेक्टिव के रूम में यूज हो रहा है तो यहां पर मतलब हो रहा है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोग टू मैनी पीपल क्राउडिंग रूम मतलब टू मैनी पीपल तो क्राउडेड नहीं हो रहा क्राउडिंग नहीं हो रहा क्राउडेड हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर है आपको यहाँ पर एडजेक्टिव से यूज करना है नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस सेंटेंस 20 सेंटेंस 20 आपका सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता यस कीजिए कमेंट कीजिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर प्रपोजिशन कौन सा यूज करें मैरी के बाद विद का यूज करें या मैरी के बाद टू का प्रयोग करेंगे अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या यूज करेंगे विद का यूज नहीं होता है मैरिड टू समबडी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि विद के स्थान पे आपको प्रपोजिशन यूज करना है टू सुंदर इज गेटिंग मैरिड टू सीता थर्ड पार्ट में है एरर विद का यूज बिल्कुल नहीं करना करेक्ट है तो थर्ड पार्ट में हो गया एरर तो आज की क्लास में इतना ही आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना डेफिनेटली आई विल आंसर इट एंड मिलते हैं आपसे नई क्लास में तब तक थैंक यू बाय बाय टेक केयर